प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, मैं इंजीनियर प्रदीप जाखड़ वैल्यूएबल क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं और अपन पढ़ रहे हैं औसत। आज की क्लास से पहले औसत की अपन ने इससे पहले एक क्लास कर ली है जिसमें अपन ने सीखा कि औसत बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या से किस किस प्रकार के सवाल आते हैं, वो सारे सवाल अपने पिछले क्लासों में कर लिए। आज मैं आपके लिए बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से अच्छे अच्छे सवाल लेके आया हूं और अपन शुरुआत करते हैं एक नए सवाल के साथ। सवाल ये क्या है, ध्यान से देखिएगा कि एक पिंजरे में बंद पांच पक्षियों की औसत आयु 25 वर्ष है। एक पिंजरा है, पिंजरे में पांच पक्षी हैं, पांच पक्षियों की औसत आयु 25 वर्ष है। फिर क्या करते हैं, एक पक्षी और ले आते हैं, एक पक्षी और ले आने से औसत में दो की वृद्धि हो जाती है। तो नया जो पक्षी आया है उसकी अपने को क्या पूछिए, नया पक्षी की आयु क्या होगी। तो देखो एकदम शॉर्ट ट्रिक से अपन क्वेश्चन करते हैं। क्या करते हैं, पांच अपने पास क्या थे, पांच पक्षी औसत आयु 25 ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ध्यान से देखना, अब देखो एक पक्षी को और पिंजरे में लाने, तो देखो ध्यान से देखो, कोई आता है तो क्या होता है प्लस, कोई जाएगा तो क्या होगा माइनस, ये बात ध्यान रखना। तो देखो पांच पक्षी थे, एक पक्षी और ले आए तो क्या हुआ प्लस, पांच थे एक और आ गया तो टोटल कितने हो गए छह, आने से दो की वृद्धि हो जाती है औसत में। तो देखो औसत को मैं यहां लिखूंगा, वृद्धि को दो, वृद्धि हुई तो प्लस लिखूंगा, यदि यहां पे कमी हुई तो मैं माइनस लिखूंगा। अब छह को दो से गुणा कर देते हैं, तो छह को दो से गुणा किया तो 12 और प्लस को प्लस से गुणा किया, ध्यान से देखना प्लस गुणा प्लस क्या होता है, हमेशा प्लस होता है। तो देखो प्लस को प्लस से गुणा किया तो क्या आ गया प्लस, तो 25 प्लस 12 ये हो गया 37 वर्ष। तो जो नया पक्षी अपन पिंजरे में लाए थे उस पक्षी की आयु क्या थी, नए पक्षी की आयु क्या थी, 37 वर्ष थी। ध्यान से देख लो, ये अपना शॉर्ट ट्रिक्स में हो गया, मात्र 25 प्लस 12 कितना हो गया 37, कहां से आया 6 गुणा 2 कहां से आया, पांच पक्षी थे एक आया तो 5 प्लस 1 6 हो गया और 2 की वृद्धि दी हुई है, आया तो प्लस वृद्धि दी तो प्लस। तो ये छोटा सा सवाल था, छोटी सी ट्रिक से ही आसानी से क्वेश्चन हो गया। यदि ये क्वेश्चन ऐसे ना कि थोड़ा सा चेंज कर दे तो कैसे करेंगे, देखो ध्यान से देखो, मैं ये कह देता पांच पक्षियों की औसत आयु 25 वर्ष है, यदि एक पक्षी और आ जाने से दो औसत में दो की वृद्धि की जगह ऐसे लिख देता दो की कमी, क्या लिख देता दो की कमी हो जाती है औसत में, दो की कमी हो जाती है तो नए पक्षी की जो पक्षी आया उसकी आयु क्या होगी। तो देखो जब कमी हो रही है तो मैं क्या लिखूंगा पांच, पांच पक्षियों का औसत कितना है 25, ठीक है। अब एक पक्षी और आया तो प्लस 6 गुणा औसत में वृद्धि हो रही है कमी दो, दो की कमी हो रही है तो माइनस, तो ध्यान से देखिएगा 6 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 12, लेकिन प्लस को गुणा करेंगे माइनस से, तो याद रखना प्लस को माइनस से गुणा करते हैं तो हमेशा क्या आता है माइनस, तो प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो यहां आएगा माइनस। अब देखो 25 में से 12 गए तो बचेगा 13, तो जो नया पक्षी आया है उसकी क्या हो जाएगी, जो उम्र हो जाएगी या आयु हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 13 वर्ष। ध्यान से देखो मैंने क्या किया, मैं ये चीज वहां लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं प्लस को प्लस से गुणा किया तो हमेशा प्लस आएगा, यदि माइनस को माइनस से गुणा करूंगा तो भी हमेशा प्लस आएगा, ध्यान रखना, और यदि माइनस को प्लस से गुणा करूं या प्लस को माइनस से गुणा करूं तो दोनों ही सिचुएशन में क्या आएगा माइनस आएगा, यह चीज आप ध्यान रखना। इसी बेस पे मैं इसी सवाल को चार पांच प्रकार से करता हूं, दो प्रकार से मैंने आपको समझा दिया, जब औसत में वृद्धि होती है जब औसत में कमी होती है। अब देखो तीसरा पैटर्न क्या करते हैं, ध्यान से देखना एकदम शॉर्ट ट्रिक से, आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन करना है और इस प्रकार से यदि आप करोगे तो आप यकीन मानिए 30 से 32 सेकंड में आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। अब मैं नया सवाल करता हूं, एक पिंजरे में बंद पांच पक्षियों की औसत आयु 25 वर्ष है, ठीक है। आपने कहा कि एक पक्षी और पिंजरे में शामिल कर लिया जाए तो औसत में दो की कमी हो जाती है, चलो मैं इस सवाल को ऐसे
मिटा के मैं ये कहता हूं कि एक पक्षी को उड़ा दिया जाए तो उस समय दो की कमी हो जाएगी। मैं लिख दूंगा एक पक्षी को एक पक्षी को उड़ा देने एक पक्षी को उड़ा देने से औसत में दो की कमी हो जाती है। तो ध्यान से देखिएगा, पहले पक्षी थे पांच, पांच का जो औसत था वो था अपने पास 25। एक पक्षी उड़ा दिया मतलब पांच में से एक गया, गया तो माइनस हुआ प्लस माइनस हुआ, पांच में से एक गया कितना चार बचे। तो जाने से औसत में वृद्धि हुई या कमी, तो आप बोलोगे सर कमी हुई, तो कमी हुई कितनी कमी हुई, दो की कमी हुई। कमी को किससे डिनोट करेंगे, बोले सर माइनस से डिनोट करेंगे। अब देखो माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो क्या आता है, माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो प्लस, तो निशान तो किसका जाएगा प्लस का, और चार को दो से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा आठ। अब देखो 25 प्लस 8 करो तो आ जाएगा 33 वर्ष। अब जो पक्षी उड़ा दिया ना उसकी जो आयु थी ना वो कितनी थी, 33 वर्ष थी। ये अपना क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। यहां से देखना क्वेश्चन को वापस बदल रहा हूं थोड़ा सा, अब की बार माइनस माइनस का केस पढ़ा है, इससे पहले अपने प्लस प्लस का पढ़ा। अब देखो मैं थोड़ा सा सवाल चेंज कर रहा हूं, सवाल चेंज क्या कर रहा हूं ध्यान से देखने का। पिंजरे में बंद पांच पक्षियों की औसत आयु 25 वर्ष है, एक पक्षी को उड़ा देने से औसत में दो की कमी, कमी की जगह मैं क्या कहता हूं औसत में वृद्धि कर देता हूं, औसत में दो की वृद्धि। तो आप देखो आप कैसे करोगे, पांच पक्षी हैं, पांच पक्षियों का औसत कितना है 25, एक पक्षी को उड़ाने से माइनस, क्यों, क्योंकि संख्या में अपने को कमी हुई, कमी को माइनस, तो पांच में से गया तो चार। औसत में वृद्धि या कमी कितनी हुई, दो की क्या हुई वृद्धि, दो की वृद्धि हुई। तो देखो यहां वृद्धि को अपन डिनोट करेंगे प्लस से। अब देखो चार को दो से गुणा किया तो कितना आ गया आठ, लेकिन माइनस को प्लस से गुणा किया तो क्या आ जाएगा हमेशा माइनस, तो यहां निशान आ जाएगा माइनस। अब 25 में से 8 घटाए तो 25 में से 8 घटाए तो अपना देगा 17 वर्ष। जो पक्षी उड़ा दिया गया तो उसकी जो आयु होगी वो क्या हो जाएगी 17 वर्ष हो जाएगी। एक ही सवाल को मैंने चार प्रकार से कमी वृद्धि आने वाला उड़ने वाला जाने वाला करके मैंने कम से कम आपको चार प्लस सवालों को एक साथ शॉर्ट ट्रिक से बता दिया है। 30 से 32 सेकंड में आपका ये सवाल आसानी से एग्जाम में हो जाएगा, एक बार इसको देख लो तरीका नोट करो। अब देखो अब मैं सवाल को थोड़ा सा चेंज करता हूं, सवाल को क्या चेंज करूंगा, देखो पहले मैंने क्या सवाल करा एक बार थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल करवा देता हूं। देखिए जब पहला करते थे कि भाई व्यक्ति आया या पक्षी आया तो औसत में वृद्धि हुई, पक्षी आया तो औसत में कमी हुई, पक्षी गया तो औसत में वृद्धि हुई, पक्षी गया तो औसत में कमी हुई, ये चार प्रकार के पैटर्न अपन ने कर लिए, ठीक है। अब देखो अब मैं थोड़ा सा सवाल को चेंज करता हूं, हल्का सा चेंज करूंगा, एग्जामिनर भी वही करता है। अब मैं क्या करूंगा कि एक पिंजरे में बंद पांच पक्षियों की औसत आयु 25 वर्ष है, यदि एक पक्षी को उड़ा दिया जाए कि जगह मैं लिख देता हूं, यदि एक पक्षी को और ले आए पिंजरे में, एक ला रहे हैं, एक पक्षी को पिंजरे में और ले आए, एक पक्षी को पिंजरे में और ले आए। क्वेश्चन को ध्यान से देखो आप, क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा और
वही क्वेश्चन एग्जाम में आपको एडजेक्टिव मिल जाते हैं, पिंजरे में और ले आए जिसकी आयु, जिसकी आयु और ले आए जिसकी आयु, जिसकी आयु थोड़ा सा ऐसे कैलकुलेशन लिख देते हैं जिससे इजी हो जाए। एक पक्षी और ले आए जिसकी आयु 13 वर्ष है, जिसकी आयु 13 वर्ष है तो औसत में कितनी कमी या वृद्धि होगी, तो औसत में कितनी कमी ऑब्लिक वृद्धि होगी, वृद्धि होगी। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा एक बार भी, पहले क्या था कि पांच पक्षी थे, पांच पक्षी का औसत आयु 25 थी, तो एक पक्षी आ रहा था या एक पक्षी जा रहा था, एक पक्षी आ रहा था तो प्लस, एक पक्षी जा रहा था तो माइनस, औसत में वृद्धि हो रही थी तो प्लस, औसत में कमी हो रही थी तो माइनस, ठीक है। औसत में वृद्धि कमी यहां से जो प्लस माइनस को गुणा कर रहे थे जिसका वैल्यू यहां लिख रहे थे, नीचे दो संख्याएं आ रही थी उन संख्याओं का यहां लिख रहे थे, और इसमें से यदि प्लस था तो इसमें जोड़ रहे थे और माइनस था तो इसमें से घटा रहे थे। लेकिन सवाल में अभी थोड़ा सा चेंज कर दिया गया, देखो पांच पक्षियों की औसत आयु 25 वर्ष है, यदि एक पक्षी को और पिंजरे में ले आए, यदि एक पक्षी को पिंजरे में और ले आए तो एक पक्षी और लाए तो पांच प्लस वृद्धि हुई, पक्षी में वृद्धि हुई तो प्लस, पांच प्लस एक छह, फिर अपन क्या करते हैं यहां गुणा करते हैं और यहां पे एक वृद्धि का निशान आता है, कमी का निशान आता है वो करते हैं, ठीक है। आपने को नहीं पता आपकी बार, अब की बार सवाल उल्टा कर रहा है, तो एक पक्षी को ले जिसकी आयु कितना है 13 वर्ष। मैं देखो कहां कहां लिख रहा हूं, आप थोड़ा सा ध्यान से रखो, पिछली बार के सवाल को मैं रिपीट कर रहा हूं, पांच पक्षियों की औसत आयु 25 वर्ष है, एक पक्षी को और ले आऊं तो औसत में दो की वृद्धि हो जाती है, तो वृद्धि को प्लस से, तो प्लस 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 था और छह को दो से गुणा करें तो 12, और देखो 25 प्लस 12 37 वर्ष आ गया, ठीक है। अब मैं उल्टा चल रहा हूं, मेरे पास देखो यदि 37 वर्ष हो, ध्यान से देखना, यदि 37 वर्ष हो ये डाटा नहीं हो और ये नहीं हो, तो यही तो पूछ रहा है, ये डाटा नहीं हो और ये नहीं हो तो ये डाटा कहां से आएगा, ये यहां से आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि इस संख्या में इस संख्या को या तो गुणा करेंगे और गुणा करके बाद में इस निशान को इस निशान से गुणा करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहां पे प्लस हुआ या माइनस, ठीक है। देखो ये वाला निशान तो आपको ऑटोमेटिक कैसे पता चल जाएगा, यदि इस संख्या से यह संख्या ज्यादा है, ध्यान से सुनना, यदि इस संख्या से यह संख्या ज्यादा है तो निशान आपको पता है कि कुछ संख्या जुड़ी है, यदि इस संख्या से यह संख्या कम है तो आपको पता चल जाएगा माइनस है, तो देखो निशान वाला खेल तो आपका हो जाएगा यहां से। बाद में देखो कि यहां कितनी संख्या रखूं या यहां इस संख्या में कितनी संख्या जोड़ू कि यह आ जाए, या इस संख्या में से कितनी संख्या घटाऊं कि यह आ जाए, तो ये वैल्यू ये आ जाएगी, तो ये वैल्यू आ जाएगी, तो आप देखना कि इस संख्या को कितने से गुणा करूं कि ये वैल्यू आ जाए, तो ध्यान से रखना एक बार लगातार समझ में नहीं आएगा। तो देखो 25 है, 25 में से कुछ संख्या घटी तभी तो 13 आया, तो आपको एक चीज तो फाइनल होगी कि निशान क्या आएगा माइनस, और माइनस निशान आएगा तो देखो प्लस को किस से गुणा करते हैं तो माइनस आता है, तो आप जानते हो प्लस को प्लस से गुणा करते हैं तो प्लस आता है और प्लस को माइनस से गुणा करते हैं तो हमेशा क्या आता है माइनस, तो आपको पता है कि औसत में होने वाली तो क्या है कमी होने वाली है, एक बात तो आपको यहां से पता चल गई, कोई दिक्कत, ध्यान से देखो प्लस को माइनस से गुणा, अब आप सोच रहे हो सर माइनस क्यों लिखा, तो माइनस इसलिए लिखा 25 में से कोई संख्या घटाऊंगा तो ही उससे कम वाली संख्या आएगी, क्योंकि 25 से कोई संख्या जोड़ूंगा तो 25 से बड़ा आएगा, तो यहां 13 है तो 13 25 से छोटा है तो कोई संख्या घट रही है, ठीक है, माइनस का निशान लगा ले, ये माइनस का लिख देता, ठीक है। 25 में से कितना घटाऊं कि 13 आता है, तो आप कहोगे सर 25 में से 12 घटा दो, आपकी बात कोई दिक्कत, 25 में से कितना घटाऊं कि 12 आता है, तो बोलो आप बोलोगे सॉरी
25 में से कितना रखोगी 13 आता है, तो 25 में से 12 रखेंगे तो 13। ठीक, मुझे क्या पूछ रहा है कि औसत में कितनी वृद्धि या कमी, मतलब ये वाली जगह पूछ रहा है, ये वाली वैल्यू पूछ रहा है मुझे, ध्यान से रखना अगली बार सवाल को उल्टा कर दिया इसने। तो मुझे क्या कह रहा है कि कितना है कि 12 कैसे आएगा, 12 आएगा तो 6 को कितने से गुणा करूं कि 12 है, तो आप कहोगे सर 6 को 2 से गुणा करो, किससे करो 2 से गुणा करो, तो देखो 6 को 2 से गुणा किया तो 12, 25 में से 12 गए तो 13, या क्या यही सवाल बन रहा है, ध्यान से देखो यही सवाल बन रहा है, बिल्कुल एग्जैक्टली यही सवाल बन रहा है, पहले जो वैल्यू पूछता था वो ये पूछता था, अब की बार वैल्यू पूछ ली वो ये वैल्यू पूछ ली, तो कोई सी भी वैल्यू पूछ ले आपको घबराना नहीं है। तो देखो आंसर अपना क्या हो गया, ये निशान कमी को दर्शा रहा है, माइनस है तो कमी, कितने की कमी हुई औसत में 2 की कमी, तो औसत में 2 की कमी होगी 2 की, तो जो ऑप्शन होगा 2 की कमी वो वाला टिक हो जाएगा, क्वेश्चन यही तो पूछ रहा है, एक बार दोबारा देखो 5 पक्षी है औसत कितना है 25 वर्ष है, यदि एक पक्षी को पिंजरे में और ले आए, एक पक्षी को पिंजरे में और ले आए तो जिसकी आयु 13 वर्ष है तो औसत में कितनी कमी या वृद्धि हो रही है, तो आपको सीधा सीधा पता चल जाएगा कि औसत में कमी हो रही है, कमी कितने की हो रही है 2 की कमी। इसी सवाल को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, एक पिंजरे में बंद 5 पक्षियों की आयु कितनी है, 5 पक्षियों की आयु है 25 वर्ष। अब देखो आप घबराना मत, आप सोच रहे होंगे सब पक्षियों पे क्यों करवा रहे हैं, यहां ये आ सकता है कि एक एक कमरे में बैठे 5 व्यक्तियों की आयु 25 वर्ष है, यदि एक व्यक्ति और आ जाए, तो देखो मान लो एक कमरे में बैठे 5 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है, मैं सवाल लिख नहीं रहा हूं, मैं बोल के आपको डिक्टेट कर रहा हूं, एक कमरे में बंद या एक कमरे में बैठे 5 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है, यदि एक व्यक्ति और आ जाए तो और आया तो क्या हुआ वृद्धि, आने से औसत में 3 की वृद्धि हो जाती है, कितने की 3 की, तो आप सोचोगे वृद्धि हुई तो प्लस, प्लस को प्लस से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, 6 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 18, 25 प्लस 18 कितना हो जाएगा 43। तो देखो 5 व्यक्ति थे जिनकी औसत आयु 25 वर्ष थी, एक व्यक्ति और आ गया जिसकी आने से औसत में 3 की वृद्धि होगी, तो व्यक्ति जो आया उसकी कितनी आयु होगी, तो आप कह दोगे सर 43 ईयर या प्लस, ठीक है। अब मेरा सवाल थोड़ा सा मैं बदल रहा हूं यहां पे, मैं आपको एक ही सवाल से सारे मेथड सिखाना चाह रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं इनको अच्छे से सीख जाओ, अंतर सवालों में प्लस माइनस का तो कोई अंतर नहीं है, ये सवाल मैं यहां लिख देता हूं, यहां क्या था 5 थे पक्षी और इनका औसत 25 था, एक आ गया पक्षी तो प्लस हो गया 6, औसत मुझे यहां वाली संख्या पता नहीं थी, तो फिर तुमने क्या किया कि सर यहां कितना दे दिया, नया पक्षी आया उसकी औसत आयु 13 थी, 13 थी तो प्लस किया माइनस, तो देखो 25 में से माइनस किया था 12, तो 6 को कितने से गुणा करूं कि 12 आ जाए, तो आपने कहा 2, अब बोलो प्लस माइनस यहां कब आएगा जब यहां निशान होगा माइनस, ठीक है। अब ये सवाल तो ये खत्म हो चुका है, अब इसी पैटर्न का नया सवाल करता हूं कि 5 पक्षी हैं उनकी औसत आयु 25 वर्ष है, कोई दिक्कत, यदि एक पक्षी को पिंजरे में और ले आए, एक पक्षी को पिंजरे में और ले आए तो औसत में कितनी कमी या वृद्धि होगी, ये सवाल तो अपन ने कर लिया है। अब अपन सवाल दूसरा करते हैं, दूसरा कैसे करेंगे कि 13 वर्ष की जगह मैं क्या करूंगा, 13 वर्ष की जगह मैं कर दूंगा 34 वर्ष, 34। अब जो पक्षी आया उसको 34 वर्ष का है, तो देखो 5 थे एक पक्षी और आया 6 है, गुणा में आपने को पता नहीं है क्योंकि अपन क्या याद कर रहे हैं औसत में वृद्धि या कमी, अब आपको क्या लगा कि औसत 25 था
और अब की बार जो औसत हो गया वो कितना हो गया 34। तो आपको पता चल रहा है क्या औसत में वृद्धि हुई कमी, तो यहां से सीधा सीधा पता चल रहा है 25 से 34 पे गए तो औसत में ये तो बात होगी कि वृद्धि होगी, फाइनल हो गया। क्यों 25 से कितने पे चले गए 34 पे, तो आप बताओ ये सब समझदार हो, 25 में कुछ जुड़ेगा तो 34 आएगा ना, तो 25 में कितना जोड़ू, तो आप कहोगे सर 25 में आप जोड़ दो 9 जोड़ दो, ठीक है। तो यहां निशान किस चीज का आ गया, प्लस का, तो बोलो प्लस का निशान कब आता है, जब या दो ही कंडीशन में प्लस का निशान आता है, या तो आप क्या करो प्लस को प्लस से गुणा करो तो प्लस आता है, या माइनस को माइनस से गुणा करो तो प्लस आता है। तो आपके पास एक निशान तो पहले से है वो है प्लस का, तो यहां आ जाएगा प्लस। अब 6 को कितने से गुणा करूं कि 9 आ जाए, तो 6 को कितने से गुणा करूं, तो देखो या तो आपको पता नहीं है तो 9 बटा 6 कर लेना, 9 बटा 6 करोगे 3 का भाग दोगे तो 3 बटा 2 कर लेना, और 3 बटा 2 क्या हो जाएगा 1.5, या तो ऐसे कर लेना, या आप गणित अच्छी से करेंगे पढ़ रहे तो आपको सीधा पता चल जाएगा 1.5। तो 15 को 6 से गुणा करते हैं, 15 × 6 तो कितना आता है 90, पॉइंट हटा देना तो कितना जाएगा 9, तो 6 को 1.5 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 9, 9 आ गया। तो औसत में कितनी वृद्धि हुई, औसत में वृद्धि हुई प्लस, कैसे पता चला ये तो यहां से पता चल गया सीधा, कितने की वृद्धि हुई, औसत में वृद्धि हुई 1.5 की, तो ये हो गया अपना आंसर। देखो इस सवाल को थोड़ा सा आपस में कंपेयर करने की कोशिश करो, कंपेयर करोगे तो आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। अब मैं देखो सवाल यही रहेगा, मैं आपको अलग अलग तरीके सिखा रहा हूं, सवाल ये रहेगा पांच पक्षों की औसत आयु 25 वर्ष है, सवाल यही रहेगा। दो कंडीशन कर ली है, जब इसकी औसत आयु 34 वर्ष थी और एक बार क्या थी 13 वर्ष, ठीक। अब मैं कह रहा हूं कि पिंजरे में और आ गया, पक्षी पिंजरे में और आ गया, ये सवाल तो कर लिया। एक पक्षी को, यदि एक पक्षी को निकाल दिया जाए, ऐसे कर लेता हूं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, एक यदि एक पक्षी को पिंजरे से निकाल दें तो दें, एक पक्षी को पिंजरे से निकाल दें जिसकी आयु 34 वर्ष है, सवाल ये रहेगा आपके बाद, पक्षी निकल गया जिसकी आयु 34 वर्ष है तो औसत में कितनी कमी या वृद्धि होगी, कितनी कमी या वृद्धि होगी। तो देखो ये पैटर्न मैं पढ़ा रहने देता हूं, इस पैटर्न को मैं डिलीट कर देता हूं, सवाल देखिएगा। पांच पक्षी की औसत आयु 25 वर्ष थी, एक पक्षी को निकाल दिया गया, मतलब पक्षियों की संख्या में कमी हो गई, तो कमी को अपन प्लस से डिनोट करते हैं या माइनस से, तो आप कहोगे कमी हुई तो उसको माइनस से, कितने कमी हुई एक की, तो 5 − 1 = 4, कोई दिक्कत, ठीक है। गुणा में कोई संख्या है कि अपने को नहीं पता, क्यों नहीं पता, क्योंकि अपने को यही पूछी है औसत में कितनी कमी या वृद्धि होगी। जो नया आया पिंजरे में निकाले गए पक्षी था, सॉरी निकाले गए जो पक्षी था जिसकी कितनी थी 34 वर्ष, चाहो तो देखो ऐसी संख्या आप रख लेना जिससे क्या हो आपको फायदा हो जाए कि गुणा जोड़ का की गुणा करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहो तो 34 की जगह आप कर लेना 33 कर लेना, क्योंकि ऐसी संख्या है कि जो किसी संख्या से इजीली गुणा हो रही हो, तो मैं भी यहां 33 कर देता हूं 33। अब बताओ आपको यहां देख के क्या लगा, पहले उस 25 था और इसकी आयु 33, तो वृद्धि हुई कमी, तो आप कहोगे सर संख्या बढ़ रही है तो एक तो बात होगी वृद्धि हुई, ठीक है। 25 में 33 कब आएगा, किसी संख्या को मैं जोड़ूंगा तब आएगा, तो 25 में मैं कितना जोड़ू कि 33 आ जाए, तो आप सीधा सीधा कहोगे सर 8 जोड़ दो, कितना जोड़ दो 8, 25 प्लस 8 कितना हो गया 33, यहां तक खेल खत्म। अब देखो सवाल यह आता है कि ये 8 आया कैसे, तो आप कहोगे सर 4 में किसी संख्या को मैंने क्या किया गुणा किया, तो 4 में आपको सीधा सीधा पता है 4 को कितने से गुणा करते हैं 2 से, तो 2 से गुणा करते हैं तो क्या जाता है 8, 25 प्लस 8 33, ये प्रश्न में गिवन है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 2। अब देखो कमी हुई या वृद्धि, तो बोलो क्या हुई,
कमी हुई है वृद्धि, ध्यान से देखो संख्या यहां से बढ़ रही थी, मैंने थोड़ा सा ये गलत लिख दिया ना, जब संख्या बढ़ रही तो प्लस, ये वृद्धि में नहीं लिखना चाहिए था मुझे। देखो संख्या यहां से 25 प्लस 8 संख्या बढ़ रही है, अब देखो प्लस निशान कब आता है, प्लस दो ही कंडीशन में आता है, या तो प्लस को प्लस से गुणा करते हैं तो प्लस आता है, या माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो प्लस आता है। तो देखो यहां निशान माइनस का है, यदि मैं निशान यहां प्लस का लिखूंगा तो यहां माइनस आना चाहिए था, बात समझना, यहां पहले से फिक्स है, क्यों फिक्स है, क्योंकि एक पक्षी उड़ चला गया, तो यहां सीधे सीधे अपने को पता चल रहा है यहां निशान किसका आएगा, माइनस, क्यों, क्योंकि माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ये बात ध्यान रखना भी जिसको नहीं पता हो। तो अपने को इसमें वृद्धि की कमी, तो आप कह देंगे सर कमी हुई, कमी कितने की हुई, दो की, ये अपना क्या हो गया आंसर हो गया। ध्यान से अब देखो इसी पैटर्न पे मैं एक सवाल और कर देता हूं, चीज वही रहेगी, अब इसकी जगह ऐसे आ जाए कि एक एक क्लासरूम है, क्लासरूम में 5 बच्चे हैं जिनकी आयु 25 वर्ष है, टीचर के आ जाने से या टीचर के चले जाने से औसत में 2 की वृद्धि हो जाती है, 4 की वृद्धि हो जाती है, उस प्रकार के सवाल भी अपन आसानी से इसी पैटर्न से कर सकते हैं। देखो एक सवाल और करते हैं, सवाल क्या रहेगा, एक पिंजरे में बंद 5 पक्षियों की आयु 25 वर्ष है, यदि एक पक्षी को पिंजरे से निकाल दें, पिंजरे से निकाल दें जिसकी आयु 9 वर्ष है, तो औसत में वृद्धि हो गया कमी हो, 5 पक्षी थे औसत आयु 25, यदि एक पक्षी को पिंजरे से निकाल दिया गया तो निशान माइनस और 5 में से एक गया तो 4, किसी संख्या को गुणा करेंगे वही उसकी वृद्धि या कमी होगी, यहां संख्या कितनी लिखी गई है जिसकी आयु 9 वर्ष है, तो 25 में से कितना घटाऊं कि 9 आ जाए, तो आप कहोगे सर 16 घटा दो तो 9 वर्ष आ जाएगा, अब देखो 16 घटाया तो यहां चिन्ह क्या चाहिए मुझे, माइनस चाहिए क्या, माइनस कब आएगा, माइनस को माइनस से गुणा करते तो प्लस आता, और माइनस को प्लस से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो यहां से प्लस आया तो इससे यह पता चल गया कि वृद्धि हुई या कमी, तो आप कहोगे सर वृद्धि होगी, अब देखो कितने की, 4 को किससे गुणा करूं कि 16 आ जाए, तो आप कहोगे सर 4 को 4 से गुणा करो तो कितना आ गया 16, 25 में से 16 गए 9 वर्ष, और वो जो पक्षी निकाला था उसकी आयु कितनी थी 9 वर्ष, तो आपका आंसर क्या आ गया, वृद्धि, वृद्धि में भी कितनी होगी, औसत में 4 की वृद्धि। तो ये इस प्रकार से इस पैटर्न के सारे सवाल कंप्लीट हो गए। एक सवाल मैं आपको प्रैक्टिस के लिए देता हूं, आप उसको प्रैक्टिस को अपनी नोटबुक उस क्वेश्चन को नोट करना और उसका आंसर निकालना, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको दे देता, क्वेश्चन क्या है, 20 बच्चों का औसत वजन, 20 बच्चों का औसत वजन 40 केजी है, यदि एक 22 केजी का बच्चा और आ जाए और एक 22 केजी का बच्चा और आ जाए जाए एक 22 केजी का, इसको आप 40 की जगह 80 कर लेना, थोड़ा डाटा वैल्यू सही आ जाएगी 80, 20 बच्चों का औसत 80 केजी है, यदि एक 22 केजी का बच्चा और आ जाए तो औसत में कितनी वृद्धि ओब्लिक कमी होगी, क्वेश्चन
क्वेश्चन ये है। तो आप कर लेना, 20 बच्चे हैं उनका औसत 80 केजी है, यदि एक 22 केजी का बच्चा और आ जाए तो एक बच्चा आएगा 21, 21 से 30 से गुणा करें कि वो वैल्यू 80 माइनस 22, तो वो माइनस में जो संख्या होगी उसको, जो संख्या आएगी उसको गुणा कर लेना। तरीके आपको सारे बता दिए, आप इसका आंसर अपने हिसाब से नोट कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं, देखो यदि एक फंक्शन में 10 महिलाएं हैं, क्वेश्चन क्या है, एक फंक्शन में भाग ले रही 10 महिलाएं, तो मैं सीधा सीधा लिख देता हूं एक, या ऐसे लिख देता हूं एक बगीचे में बैठी हैं महिलाएं, एक बगीचे में ऐसा भी आ सकता है, एक बगीचे में झूल रही महिलाएं, एक बगीचे में बैठी महिलाएं, तो एक बगीचे में बैठी 10 महिलाओं, दस महिलाओं में से 60 केजी की महिला के स्थान पर की महिला के स्थान पर दूसरी महिला आ जाती है, दूसरी महिला के आने से औसत में 2.5 की वृद्धि होती है तो ध्यान से देखो, सवाल में आराम आराम से इसलिए लिख रहा हूं कि आपको सवाल समझना बहुत जरूरी है, यदि आप सवाल नहीं समझेंगे तो आपका क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। एक बगीचे में 10 महिलाओं में से 60 केजी की महिला के स्थान पर दूसरी महिला के आने से औसत में 2.5 की वृद्धि हो जाती है, तो नई आई महिला का वजन क्या होगा, नई आई महिला का वजन क्या होगा। क्वेश्चन एक बार आप फटाफट देखो, नई जो महिला आई उसका वजन क्या होगा, तो देखो 10 महिलाओं में से 60 केजी की चली गई महिला, तो इसको यहां लिख लेना 60 केजी जो गई है उसको, ठीक है। अब देखो एक महिला तो गई, 10 बैठी थी महिलाएं, 10 महिलाओं में से एक महिला चली गई और एक उसकी जगह वापिस आ गई, तो महिलाओं की संख्या में क्या हुआ, कमी हुई वृद्धि, तो आप लोग सर मैं कमी हुई नहीं वृद्धि हुई, तो 10 की जगह महिलाएं 10 ही रह जाएंगे, 10 की जगह 10 ही रह जाएंगी। 60 केजी की महिला के स्थान पर दूसरी महिला के आने से औसत में 2.5 की वृद्धि, तो वृद्धि को किसे डिनोट करेंगे, प्लस, तो ये लिखूंगा 2.5, तो देखो यहां प्लस है, चाहो इसको देखो वृद्धि नहीं है ना कमी, या तो प्लस से डिनोट कर लो या जो ये सिंबल यहां आए उसको यहां लिख देना, तो 10 को 25 से 2.5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, 60 में 25 जोड़ेंगे तो जो महिला वो वजन आएगा, जो नई महिला आई 60 केजी वाली महिला की जगह दूसरी महिला आई उसका जो वजन है वो 85 केजी है। इसी सवाल को मैं दूसरे पैटर्न से कर देता हूं, एक सवाल थोड़ा सा चेंज कर देता हूं कि महिला के आने से औसत में 2.5 की वृद्धि की जगह कमी कर दो, ध्यान से देखना कमी कर देता तो क्या था, 10 महिलाएं थी उनमें से 60 केजी वाली महिला वहां से निकल गई, ध्यान से देखना, अब की बार मैंने कमी करी है, कमी करूंगा तो यहां निशान माइनस का आ जाएगा, बस कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 10 की जगह 10 महिलाएं हैं क्योंकि एक महिला गई तो उसके बदले दूसरी आ गई, गुणा में क्या करूंगा कमी या वृद्धि, तो 2.5 क्या हुआ कमी को किससे डिनोट करते हैं माइनस, ये निशान आ जाएगा यही 25, 10 को 2.5 से गुणा करें तो आपको पता है किस आ जाएगा 25। अब देखो क्या हुआ, 60 में से 25 गए तो बोलो कितना आएगा, तो आपको पता सीधा सीधा पता है, तो ये आ जाएगा 35 केजी,
अब देखो सवाल एक ही था, बस मैंने चेंज क्या कर दिया, यहां तो वृद्धि होगी और यहां पे क्या होगी कमी होगी। कमी और वृद्धि करते देखो आंसर बदले कि नहीं बदले, 10 महिलाएं थी, एक महिला की जगह दूसरी महिला आ गई, तो दूसरी महिला आई तो उसका वजन 85। यदि औसत में कमी हो रही है तो इस महिला का वजन कितना है 35 kg। दोनों प्रकार के सवाल मैंने आपको सामने रख दिए। अब इसकी जगह यदि देखो यदि 35 kg ऑप्शन में दे देता, देख एक बार सवाल चेंज कर देता, 35 दे देता, सवाल पिछले बार एक तरह तो 35 दे देता तो 60 में से कितना घटाओगे 35 आ जाएगा, तो आप बोलोगे 25 घटाओ, तो बोले यहां सिंपल क्या लिखोगे, बोले यहां माइनस लिख दिया, तो 10 को किससे गुणा करेंगे, तो आपको पता है 2.5 से, तो यहां पे क्या हो रही है कमी 2.5 की। तो देखो या तो ये पूछेगा एग्जाम में या ये पूछेगा, दो में से एक चीज पूछेगा, प्लस माइनस को आपको आपस में गुणा करना चाहिए, आपको पता होना चाहिए वैल्यू कैसे रखते हैं। तो इस प्रकार से आपके सारे सवाल हो जाएंगे कि 5 का औसत क्या है, 10 का औसत क्या है, नया आ रहा है जा रहा है, औसत में वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है। तो इस प्रकार का पैटर्न मैंने आपको सारे सवालों में अच्छे से समझा दिया है। आगे देखो इसके बाद में अपन दूसरे प्रकार का सवाल करते हैं। उम्मीद है कि इस प्रकार के सारे सवाल आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, बाकी आप वीडियो को रोक रोक के देख लेना जिससे कि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। इसके बाद में देखो अपन क्वेश्चन करते हैं, तीन प्रकार के क्वेश्चन है, तीनों को थोड़ा सा समझ के करते हैं कि आपके क्वेश्चन क्या है। अब देखो एक छोटा सा क्वेश्चन से लेता हूं मैं क्या लिखता हूं कि लगातार देखो लगातार 5 क्या लिखा मैंने, लगातार 5 संख्याओं, लगातार 5 संख्याओं का औसत 21 है। क्वेश्चन ध्यान से समझना, लगातार 5 संख्याओं का औसत 21 है तो सबसे छोटी वह सबसे बड़ी, सबसे छोटी वह सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। एकदम सिंपल सवाल है, कैसे करना है एक बार देखो आप ध्यान से। यदि इस प्रकार का सवाल आता है आपके पास तो आपको क्या करना है, 5 संख्याएं हैं तो याद रखना आपको ये ध्यान रखना है कंटिन्यू है संख्या, लगातार संख्याएं हैं, लगातार संख्याएं हैं, तो आप यही करोगे कि इनका 5 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है 21। संख्या कितनी है 5 है, तो एक संख्या तो ये होगी, बच्ची कितनी 4 संख्या, देखो एक संख्या तो ये होगी और बच्ची कितनी 4 संख्या, और क्या कह रहा है लगातार है, तो देखो 2 संख्याएं तो इसकी हो जाएंगी आगे 21, 22 और 23, और 2 संख्याएं इसकी हो जाएंगी पीछे, तो यहां आ जाएगा 20 और यहां आ जाएगा 19। लगातार क्या 5 संख्याएं हुई, सवाल पढ़ो लगातार 19, 20, 21, 22, 23 लगातार 5 संख्या होगी, औसत क्या है इनका 21 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, सबसे छोटी 19, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, कितनी होगी सबसे बड़ी 23। किसी भी को यदि किसी को डाउट है कि सर ऐसे क्या हुआ, तो एक बार अपन क्रॉस चेक कर लेते हैं। अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था औसत बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, तो इनका औसत निकाल लेते हैं, क्या औसत ये आता है क्या, देखो औसत बराबर राशियों का योग, राशियों का योग देखो 19 प्लस 20 प्लस 21 प्लस 22 प्लस 23 बटा कितना लिखो संख्याएं होगी 5, इनको जोड़ते हैं तो देखो जोड़ते हैं तो 20 से 60, देखो एक बार जोड़ लेते हैं ये हो गया, एक इधर जोड़ लो 20 60 70 80 90 100, और ये हो गया 105। 105 में 5 का भाग दिया तो अपने पास क्या है 21, क्या अपना औसत 21 था क्या, 21 था, और यहां भी औसत कितना आ गया 21। तो इसका मतलब ये जो संख्याएं ली है अपन ने, ये संख्याएं अपन ने क्या ली है, एकदम सही ली है। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी 19 और सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 23। नॉर्मल सा क्वेश्चन आएगा तो ये क्वेश्चन आएगा, लगातार 5 संख्याओं का औसत 21 है तो सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। इसमें यदि एक सवाल पूछता है, कई बार पूछता नहीं है, ये सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, ये नहीं पूछेगा,
क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन ये पूछेगा कि लगातार पांच संख्या का औसत यदि 21 है तो सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या का अंतर क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, देखो सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या का अंतर, पहला क्वेश्चन क्या पूछता है अंतर, तो आपको पता है सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या आपने निकाल ली तो आपके पास अंतर आ जाएगा 23 - 19 चार। फिर पूछता है योग, सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा, तो आपको पता है 23 + 19 42। ठीक है, या फिर ये पूछ ले कि सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या का औसत क्या होगा, तो औसत कैसे निकालते हैं, दो ही संख्याएं हैं सबसे छोटी और सबसे बड़ी, औसत बराबर देख लो दो संख्याएं हैं 19 + 23 बटा कितना लगा दो, दो, तो ये हो जाएगा 42 / 2, तो ये आ जाएगा इनका औसत कितना जाएगा 21 हो जाएगा। इस प्रकार से कैसे भी सवाल पूछे या कई बार ऐसे पूछ लेता है कि सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या के योग का दुगुना कितना होगा, तो योग का दुगुना पूछ ले तो 42 / 2 तो आपको पास आ जाएगा 84। ये संख्या दुगुने की लिए तिगुना पूछ ले, दो तिहाई पूछ ले, तीन चौथाई पूछ ले, तो ये सारे प्रकार के, तीन चौथाई पूछ ले तो कैसे करोगे, देखो ऐसे पूछ ले कि लगातार पांच संख्याओं का औसत 21 है, सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या का, सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या का दो तिहाई क्या होगा, तो दो तिहाई देखो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग, सॉरी सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या के योग का दो तिहाई, तो दो तिहाई का मतलब होता है 2/3, काटो तीन से इसको काटा तो देखो 1 और 14 आ गया और 14 को 2 से गुणा किया 28, तो दो तिहाई हो गया 28, तो ये आंसर हो जाएगा। ध्यान, इस प्रकार के कैसे भी सवाल एग्जामिनर आपसे बनवा सकता है, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, लगातार पांच संख्याओं का औसत 21 है, सवाल को मैं चेंज कर रहा हूं, सवाल यही रहेगा, सवाल को कैसे चेंज करता हूं थोड़ा सा आप देखो एक बार के लिए फटाफट, मैं कह रहा हूं लगातार पांच संख्या, संख्या लगातार पांच संख्याओं, संख्याओं के बीच में मैं एक शब्द लिख देता हूं, लगातार पांच विषम, यहां लिख देता हूं विषम, कोई दिक्कत। अब सवाल क्या हो गया देखना, ध्यान से देखना, लगातार पांच विषम संख्याओं का औसत 21 है तो सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अब की बात क्या कहा, विषम कह दिया, याद रखना जब लगातार संख्याएं पूछ रहे थे तो पैटर्न क्या रखेंगे, जो औसत देगा उसको सेंटर में रखेंगे, जितनी संख्याएं होंगी उसमें से एक संख्या कम करके बराबर बराबर इधर उधर रख देंगे दोनों साइड, तो अपना आंसर आ जाएगा। जब विषम और सम दे देता है तो कैसे करते हैं, अब लगातार पांच विषम संख्या, तो सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, ये अपन पढ़ते हैं नंबर सिस्टम में, सीधी सीधी बात है वहां इसका अभी कोई योगदान नहीं है कि सम संख्या क्या होती है विषम, आप इतना याद रखना पांच संख्याएं हैं, एकदम शॉर्ट ट्रिक से बता रहा हूं आपको, पांच संख्याएं जिनका औसत क्या है 21 है, तो आप क्या करो सम और विषम का नाम आ जाए तो हमेशा एक माइनस कर दो, एक माइनस करोगे तो पांच में से तो आपके पास आएगा 4, तो एक जगह तो आप क्या कर दो 21 में 4 घटा दो, 21 में से 4 घटाएंगे तो क्या रहेगा आपके पास 17, और एक जगह 21 में 4 जोड़ दो, 21 में 4 जोड़ेंगे तो आपके पास आ जाएगा 25, तो सबसे छोटी संख्या 17, सबसे छोटी और सबसे बड़ी, देखो मैं इसको सेट करके भी दिखाऊंगा आपको कि कैसे होता है, आंसर हो गया सबसे छोटी और सबसे बड़ी, देखो एक बार सबसे छोटी 17 के बाद में 19 के बाद में 21 के बाद में 23 और 23 के बाद में 25, क्या ये पांचों संख्याएं लगातार विषम संख्याएं हैं, तो आप कहोगे सर बिल्कुल है, तो लगातार पांच विषम संख्याएं क्या हुई, लगातार पांच विषम संख्याएं हुई उसमें सबसे छोटी क्या हुई 17 और सबसे बड़ी कौन सी हुई 25, कोई दिक्कत। अब यदि इस क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया, पांच में से एक घटाया और अपना
आंसर आ गया। अब यहां कह दूं कि सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा, तो आप आपस में जोड़ लेना। ये कहते हैं कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर होगा, तो 25 माइनस 17 कर लेंगे तो आंसर वहां आ जाएगा। किसी प्रकार का सवाल पूछ ले, दोनों का औसत क्या होगा, तो 17 प्लस 25 बट्टा 2 करके अपना नया औसत निकाल लेना। यदि इसकी जगह ऐसे कर दे, मैं सवाल चेंज कर रहा हूं थोड़ा सा, देखो लगातार थोड़ा क्वेश्चन चेंज ही कर देता। ये देखो संख्या बड़ी दे दे लगातार 9 सम, लगातार 9 सम संख्याओं का औसत, लगातार 9 सम संख्याओं का औसत 26 है, तो सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या क्या होगी, बड़ी व सबसे छोटी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या क्या होगी। अब देखो 9 सम संख्याएं हैं, पिछली बार विषम था, मेथड वही है, 9 है, 9 संख्याओं का औसत क्या है, लगातार 9 सम संख्याएं हैं का औसत 26 है, तो 9 में से कितना गया, 1 गया, तो कितना आया 8। ध्यान से देखना, तो एक जगह क्या करते हैं 26 में से 8 घटाते हैं, 26 में से 8 घटाएंगे तो बचेगा 18, और एक जगह क्या कर देते हैं 26 में 8 जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 34। तो ये 18 तो क्या हो गया सबसे छोटी, देखो भाई एक जगह जोड़ा है एक जगह घटा है, 8 कहां से आया, 8 9 में से एक संख्या घटाई, क्योंकि संख्या कितनी थी, कुल संख्याओं में से एक घटाएंगे और जो संख्या प्राप्त होगी उसको एक जगह जोड़ेंगे एक जगह घटाएंगे, तो ये हो गई सबसे छोटी और ये हो गई सबसे बड़ी। कोई दिक्कत, सबसे बड़ी। अब सवाल कुछ भी पूछ ले आपको, क्या पूछ ले कि सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या का योग, तो आप कहोगे सर 18 प्लस 34, अंतर, तो अंतर में आप कहोगे सर 34 माइनस 18। अब ये कह दे इसके अलावा और औसत पूछ ले, या दोनों संख्याओं का योग का 3/4 क्या होगा, 2/3 क्या होगा, या 1/4 क्या होगा, आधा क्या होगा, 2/3 क्या होगा, या 3/4 क्या होगा, जो ये चीजें पूछता है, तो जो संख्या होती है उससे उस संख्या को क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, गुणा, तो ये मैं x लिख देता हूं, या गुणा में जो संख्या होगी उसको y, तो अपना जो ये क्या होता है आंसर आ जाता है। तो इस प्रकार के सवालों में मैंने लगातार 3 सवाल आपको पुट करे, लगातार 5 संख्याएं, फिर एक जगह सम का किया एक जगह विषम का किया, तो इस प्रकार से अपन ने क्वेश्चन कितने कर लिए यहां पे, इसी पैटर्न पे आधारित 3 क्वेश्चन कर लिए, जो आपको 30 सेकंड के अंदर अंदर शॉर्ट रिएक्शन हो जाएंगे। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली इसलिए बताता हूं कि आप इन चीजों को नोट कर लें, और फिर आप यदि जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कुछ नहीं करना, 9 में सब सीधा माइनस 1 करा, 8 लिखा, 26 में यही जोड़ दो जी, आप इतना लिखने की आपको जरूरत नहीं है, इतना मैं इसलिए बता रहा हूं, थोड़ी थोड़ी बार बार आपको प्रैक्टिस हो जाए। इसके बाद देखो अगला सवाल करते हैं, अगले सवाल में क्या करते हैं, देखिएगा क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन देखिएगा, मैं ये कहता हूं कि 30 संख्याओं, देखना ध्यान से देखना एक बार, 30 संख्याओं का औसत, 30 संख्याओं का औसत 80 है, यदि प्रत्येक संख्या, यदि प्रत्येक संख्या में 10 जोड़, यदि प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दिए जाएं, जाएं तो नया औसत क्या होगा, नया औसत क्या होगा, ध्यान से देखना भाई, प्रत्येक संख्या, क्वेश्चन ध्यान से देखना, यदि 30 संख्याओं का औसत
औसत 80 है, यदि प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दिए जाएं तो नया औसत क्या होगा। अब देखो मैं इसी पैटर्न पे आपको चार सवाल कराने वाला हूं और आपके चार सवाल ये चुटकियों में हो जाएंगे। कैसे होंगे देखो, 30 है, 30 संख्याओं का औसत कितना है 80, प्रत्येक में जोड़ने की जब बात आ जाए तो जो औसत होता है उसी में ही जोड़ दो तो नया औसत क्या आ जाएगा 90। ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। प्रत्येक में 10 जोड़ दिए जाए तो प्रत्येक में 10 जोड़ दिए जाए तो आप प्लस औसत में ही 10 जोड़ दो तो नया औसत 90 आंसर खत्म। ठीक है, अब यदि जोड़ की जगह ये आ जाए प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ने की जगह 10 घटा यह आ जाए क्वेश्चन तो आप क्या करोगे, 30 संख्याएं औसत 80 है तो प्रत्येक संख्या में से आप क्या करोगे 10 घटा दोगे तो औसत कितना आ जाएगा नया औसत क्या आ जाएगा 70। क्वेश्चन खत्म। यदि इसकी जगह 10 जोड़ने 10 घटाने की जगह आ जाए प्रत्येक संख्या में 10 से गुणा कर दिया जाए प्रत्येक संख्या में 10 से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा तो आप क्या करोगे वहां उस विस्तार में 30 है 30 का औसत क्या 80 प्रत्येक संख्या में आ जाए तो औसत से ही गुणा कर देना तो औसत में 10 तो यह हो जाएगा 800। यह हो गया आपका आंसर। अब देखो यदि गुणा वाला भी है और यदि कहे कि 30 संख्याओं का औसत 80 है, यदि प्रत्येक संख्या में 10 का भाग प्रत्येक संख्या में 10 का भाग दिया जाए तो नया औसत क्या होगा तो आप क्या करोगे 30 का औसत 80 है प्रत्येक संख्या में तो 80 में किसका भाग दे दोगे 10 का तो 80 बटा 10 आपका आ जाएगा नया औसत 8 का। ये हो गया आपका आंसर। अब देखो अपन ने मात्र कुछ ही सेकंड में चार सवाल कर लिए प्रत्येक संख्या। अब देखो इस संख्या की 10 की जगह कुछ भी संख्या दे सकता है, इस औसत की जगह कुछ भी आ सकता है, ये संख्याएं कितनी भी हो सकती हैं। आपको जोड़ बाकी गुणा भाग पैटर्न पे आपके सवाल ये खत्म हो गए चार। मात्र 10 से 15 सेकंड के ये सवाल हैं और ये चार सवालों में से कई एग्जामों में इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। अब देखिए इतना नोट करिए आप फटाफट। इसके बाद में अपन सवाल करते हैं दूसरा और सवाल क्या करते हैं सिंपल सा सवाल करते हैं। देखिए क्वेश्चन कहते हैं क्वेश्चन है 2 के प्रथम 8 गुणजों 2 के प्रथम 8 गुणजों का औसत क्या होगा क्या होगा। सवाल को समझो मात्र 10 से 15 सेकंड में आपका सवाल खत्म हो जाएगा। तो ये कह रहा है गुणज, गुणज का मतलब देखो ऐसे होता है 2 का बड़ा आता है सभी को तो 2 एकम 2 2 दूनी 4 6 8 10 12 कोई दिक्कत 2 का बड़ा 2 एकम 2 2 दूनी 4 6 8 10 12 14 और 16। तो मैं या तो ऐसे कह देता कि 2 को 8 से गुणा किया तो 16 आ गया या मैंने 2 का पहाड़ा बोल के एक बार आपको बता दिया। तो देखो 2 के प्रथम 8 गुणजों का औसत क्या होगा तो देखो दो तरीके हैं, एक तो आपका तरीका है जिसमें आपका बचेगा टाइम या दूसरा लंबा तरीका है। लंबे तरीके में क्या करोगे आप 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 टोटल संख्याएं होंगी ये 8, ऊपर वालों को जोड़ो 8 का भाग दो अपना आंसर आ जाएगा। आप ये चीज कर लेना मेरा जो आंसर आएगा उससे आप मिला लेना। देखो मैं कैसे करूंगा, मैं ऐसे करूंगा या तो 2 और उसके प्रथम 8 गुणज तो पहली संख्या तो मेरी 2 होगी और उसके प्रथम 8 गुणज का मतलब हो गया 2 × 8 = 16 तो मैं ऐसे लिख देता हूं इसको 2 × 8 ये दिया हुआ है तो इसको मैं कितना लिख दूं 16। मेरे पास संख्याएं कितनी होगी, मेरे पास संख्याएं 2 हो गई, एक तो 2 हो गई और एक होगी 16। 16 कहां से है 2 के प्रथम 8 गुणज। मैं इन दोनों संख्याओं को क्या करूंगा जोड़ूंगा और 2 का भाग दे दूंगा तो 16 2 18 / 2
कितना जाएगा 9। ध्यान से देखिए ना, एकदम सिंपल सा है। इसके बाद में यदि मैं एक दूसरा सवाल और कर लेता हूं, इसके बाद में मैं यदि 2 की जगह 3 कर दूं, 3 के प्रथम 8 गुणज, तो आपको पता है पहली संख्या 3 है, दूसरी संख्या क्या होगी, 3 को 8 से गुणा करेंगे, 8 3 24, तो एक संख्या तो 24 होगी, एक 3 होगी, तो आपको बार बार पढ़ना लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या हो गया, 8 के 8, 3 के प्रथम 8 गुणज। अब आपको कहते हैं 3 के प्रथम 28 गुणज, तो क्या आप 28 3 को गुणा करते गुणा करते 28 बार लिखते क्या, तो आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता, तो आप वहां पे 3 को 28 से गुणा कर देते। मैं क्या करूंगा, 3 और 24 को जोड़ूंगा, तो 3 प्लस 24, और हमेशा 2 का भाग दे दूंगा, तो 24 प्लस 3 27, 27 में मैंने 2 का भाग दिया, 27 में अपन ने 2 का भाग दिया, तो कितना आएगा बता दो, आप लिख लेना। अब देखो 3 के प्रथम 8 गुणज का औसत क्या होगा, ये सवाल हो गया। यदि इसकी जगह मैं इसे कह देता 3 के प्रथम 18 का 18 गुणज का औसत क्या होगा, तो क्या आप 3 का पढ़ा 18 बार लिखते, नहीं लिखते, आप क्या करते, पहली संख्या 3 होती, दूसरी संख्या क्या होती, 3 गुणा 18, तो आप यहां लिख देते 18 को 3 से गुणा करके 54, तो 54 और 3, तो मैं क्या करता, दोनों को योग करता, 3 प्लस 54, और भाग ले लेता 2 का, तो 2 का भाग लेता तो 57, और 57 बटा 2, जो भी यहां पे आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 57 में 2 का भाग दे लेना भाई, इतना इजी चीज है, आपको क्वेश्चन हो जाएगा, 2 का भाग देना इजी है, कुछ नहीं है। अब देखो इसकी जगह मैं ये कह देता, 3 की जगह मैं कह देता 13 के प्रथम 18 गुणज होगा, तो 13 का पाड़ा कितना डिफिकल्ट हो जाता, फिर 18 तक गुणा करते, तो आपको वैसा नहीं करना है, पहली संख्या 13, दूसरी क्या हो जाएगी 13 गुणा 18, 13 गुणा 18 में जो संख्या आएगी यहाँ पे x मान लेता एक बार, दोनों को 13 प्लस x इसको जोड़ देना और 2 का भाग देना, तो आपका क्या जाएगा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल चीज है, तरीका मैंने बता दिया आपको, आप बार बार पहाड़े लिख के टाइम वेस्ट करना एग्जाम में गलत है। तो आज की क्लास में अपन ने लगभग ये मान के चलो 6 से ज्यादा पैटर्न डिस्कस कर लिए, और उनके लगभग 15 से 20 क्वेश्चन अपन ने यहां से कर लिए। तो इन चीजों को आप बार बार पढ़ो, बार बार समझो, बार बार इन ट्रिक्स को देखो, और कोशिश हमेशा ये करो कि ट्रिक्स पे जो सवाल आपके एग्जाम में आए हुए हैं या आपके कोई प्रैक्टिस सेट मिल रहा है, तो वहां से इसी पैटर्न पे आप क्वेश्चन करो, और अपने पर्सनल नोट्स बना के इन चीजों को आसानी से करो। आपने अपने लिए खुद के लिए टाइम दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।